गुड इवनिंग खुश रहो स्वस्थ रहो सभी को एक एक मौल आशीर्वाद वेरी गुड इवनिंग क्या दिया था होमवर्क यही था क्या बताइए जल्दी से एट्टी वन से एट्टी फाइव एटी नाइन तक ऑल डन 89 नहीं हुआ 87 आंसर मैच नहीं हो रहा है अभी देख लेते हैं एट्टी तक हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं तो एट्टी सिक्स इक्वल एंड कंडक्टेंस ऑफ ए वीक एसिड दे रखी है और अगर हम देखें तो इन्फाइट डाइल्यूशन पर भी उसकी इक्वेलेंट कंडक्टेंस दे रखी है दोनों का रेशियो में क्या बता देगा अल्फा यानी 10 डिवाइडेड बाय 200 एसिड की कंसेंट्रेशन क्या है पॉइंट वन एम एच ए तो एच प्लस आइन कंसेंट्रेशन क्या होती है सी अल्फा पॉइंट वन इंटू वन बाई ट्वेंटी कर लो हो जाए समझ में आ गया एट्टी सिक्स सोल्यूशन देख के समझ में आ जाना चाहिए वैसे तो लेकिन क्या करो जबरदस्ती मेरा टाइम तो ऐसे ही है ना वेस्ट करो कोई प्रॉब्लम नहीं है नहीं एट्टी सेवन एसिड का डिसोशिएशन कांस्टेंट दे रखा है इसका आंसर देख लेते हैं अभी और हमें एम निकालना है एम निकालना है तो सबसे पहले इसके के से अल्फा निकालो तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है सी अल्फा स्क्वायर के वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पार माइनस फाइव कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट जीरो वन है इंटू अल्फा स्क्वायर तो ये अल्फा की वैल्यू आ गई पॉइंट जीरो फोर आंसर बॉम्बे नहीं आ रहा इसका वो भी देख लेते हैं तो लेमडा एम इक्वल्स टू अल्फा इंटू लेमडम इनफाइनाइट तो लैमडा एम की वैल्यू पॉइंट जीरो फोर इंटू लेमडम इनफाइनाइट विच इज थ्री एट्टी इंटू टेन रेस टू पावर माइनस फोर तो ये आंसर आ गया 1.52 पॉइंट फाइव टू इंटू टेन की पावर माइनस थ्री लेकिन हमें क्या निकालना है कंडक्टिविटी तो आंसर क्या आ रहा है इसका आगरा लेमडैम अब लेमडैम इक्वल्स टू कंडक्टिविटी अपॉन थाउजेंड क्योंकि एम मीटर वाला है नहीं आ रहा भाई टेन से मल्टीप्लाई हो बॉम्बे आंसर आ रहा है क्यों नहीं आ रहा है टेन से मल्टीप्लाई होगा वन पॉइंट फाइव टू इंटू टेन की पावर माइनस टू कहां प्रॉब्लम है भाई नेक्स्ट डन क्वेश्चन नंबर एटी नाइन के एस निकालना है कंडक्टिविटी दे रखी है लेमडम इंफानेट यहां थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा मॉलर कंडक्टेंस इक्वल टू इक्वलेंट कंडक्टेंस इनटू एन फैक्टर या ना और ए जी थ्री पीओ फोर का जो एन फैक्टर है वो कितना हो जाएगा थ्री तो यहां पर इक्वल कंडक्टेंस कितनी दे रखी है वन पॉइंट फाइव इंटू टेन की पावर माइनस फोर इंटू थ्री विच इज फोर पॉइंट फाइव इंटू टेन की पावर माइनस फोर इक्वल्स टू कंडक्टिविटी वाला फॉर्मूला लगा दो नाइन इंटू टेन एस टू पावर माइनस सिक्स इंटू ये मीटर में है तो डिवाइडेड बाय थाउजेंड इनटू सॉलिबिलिटी बताओ भाई क्या डाउट है तो बेटा कैलाश इतना नहीं समझ में आ रहा कि थाउजेंड कहां लेना है सॉल्यूशन में भी दे रखा है क्वेश्चन का सॉल्यूशन तक भी दे रखा है उसमें भी थाउजेंड नीचे है तो फिर कहाँ तकलीफ है जबरदस्ती सारे डायरेक्ट टू दी फॉर्मूला क्वेश्चन है नोट्स ढंग से पढ़ो क्लास ढंग से अटेंड करो सारे हो जाएंगे बेटा सत्यम वो एन एनओ थ्री का इंफानाइट डाइल्यूशन पर ही पूछा है चलो आगे बढ़ो एस वन में आ जाओ एस वन में क्या डाउट्स थे अप टू सिक्सटी फाइव सभी दे दिए थे मैंने जल्दी से डाउट्स बोलिए एस वन में सिक्सटी फोर अभी बताऊंगा रुको सिक्सटी थ्री एग्जैक्टली यही करना है जो अभी मैंने किया है सिक्सटी थ्री में कुछ भी अलग से नहीं करना है सॉल्यूशन देखो सब समझ जाओगे फिफ्टी फोर में मुझे लगता है यस आंसर में कुछ गड़बड़ हो सकती है ऐसा याद आ रहा है मुझे कुछ फिफ्टी फोर का आंसर फोर फोर्टी होगा बिल्कुल सही का सॉल्यूशन में फोर फोर्टी दे रखा है चेंज कर लेना अमन चेंज कर लेना ठीक है अविरल बताता हूं वो भी बताता हूं सिक्सटी फाइव भी बताऊंगा क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर इसमें हमें स्पेसिफिक कंडक्टेंस का डेटा दे रखा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 8.75 पॉइंट सेवन फाइव की पावर माइनस सेवन जो भी यूनिट्स है उसमें साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में और हमें वाटर की कंडक्टिविटी का भी डेटा दे रखा है विच इज पॉइंट सेवन फाइव इंटू टेन इज टू पावर माइनस सेवन क्वेश्चन आता है ये डेटा क्यों दे रखा है वाटर की कंडक्टिविटी का तो वो मैं समझाता हूं आपको जो एजीबीआर है ये AGBR सोल्यूशन की कंडक्टिविटी है जब आप पानी में ए को डिजोल्व करते हो तो सबको पता है कि एजीबीआर की सोल्युविटी बहुत कम है ये बहुत कम डिजोल्व होगा तो इसके कारण सॉल्यूशन में एच प्लस और ब्रोमाइड आयन की जो कंसेंट्रेशन होगी वो भी बहुत कम होगी और वाटर में आप डिजोल्व करो तो पानी के कारण भी एच प्लस और ओ एच होंगे और वो भी हमें पता है बहुत कम होते हैं लेकिन वो एजी प्लस और कंसेंट्रेशन के ही होंगे क्योंकि पानी भी बहुत कम होता है और यह भी बहुत कम डिसॉल्व होता है तो अब सॉल्यूशन में जो चार्ज कंडक्ट होगा वो एजी प्लस आयन के कारण भी होगा ब्रोमाइड के कारण भी होगा एच प्लस और ओ एच OH आयन के भी कारण होगा तो यहां से जब आप रजिस्टेंस निकालते हो इस सोल्यूशन का और रजिस्टेंस से जब हम कंडक्टेंस निकालते हैं तो ये केवल एजीबीआर के कारण नहीं है ये कंडक्टेंस किसके कारण है सॉल्यूशन के कारण तो इससे जो कंडक्टिविटी आएगी वो भी सॉल्यूशन के कारण होगी और हमें जो फॉर्मूले में पुट करनी है वो कंडक्टिविटी केवल एजीबीआर की होनी चाहिए एजीबीआर की ही कंडक्टिव होनी चाहिए या कंसेंट्रेशन भी एजीबीआर की और यह लेमडा भी एजीबीआर का हाँ, अब आप यह कह सकते हो सर नॉर्मली तो हम ऐसा नहीं सोचते हैं जैसे पानी में मैंने एनएच फोर सी एल डाला और इसका रेजिस्टेंस दे रखा है तो इससे हम कंडक्टेंस निकालते हैं तो हम तो कह देते हैं कि यह कंडक्टेंस NH4CL फोर सी एल की है यहां पर तो हम वाटर की बात नहीं करते हैं वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि नॉर्मली सिचुएशन में जो हम सॉल्ट डालते हैं उसकी कंसेंट्रेशन पॉइंट वन एम पॉइंट जीरो वन एम होती है यानी उनकी कंसंट्रेशन अच्छी खासी ज्यादा होती है तो यहां पर अगर पॉइंट वन एम एन एच फोर सी एल है तो सॉल्यूशन में एन एच फोर प्लस और सी एल आईन की कंसंट्रेशन एच प्लस और ओ एच OH आईन से बहुत ज्यादा है तो यहां पर मेनली जो चार्ज कंडक्ट हो रहा है मेनली जो कंडक्टेंस आ रही है वो एन एच फोर सी एल के कारण है वॉटर के कारण कंडक्टेंस बहुत कम होगी उसे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं लेकिन जैसे ही स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट आते हैं वहां पर वाटर के कारण कंडक्टेंस को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो इसीलिए इस क्वेश्चन में यहां पर ये जो दे पढ़ो तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ ए सेचुरेटेड सॉल्यूशन यानी सेचुरेटेड सॉल्यूशन की है यहां पर आपको एजीबीआर की कंडक्टिविटी चाहिए तो सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी में से पानी की कंडक्टिविटी को माइनस करो तब जाके एजीबीआर की कंडक्टिविटी आएगी उसे यहां पुट कर देना तो किसकी वैल्यू आ जाएगी सॉलिबिलिटी और अगर किसी क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो नेग्लेक्ट कर दो दे रखा है तो इस तरह से आपको कंसिडर करना होगा समझ में आ गई बात अच्छी तरह से बोलिए बस एक केनी ने लिखा यस सर बाकी सबको किसी को समझ में नहीं आया ऐसा लगता है बस एक को समझ में आया इतनी देर मैंने समझाया इतनी एनर्जी लगाई एक किसी और ने लिखा है चलो सर लिख देते हैं नीरज ने कहा अच्छा सयारी अविरल ऋतुराज कौशल प्रिया भार्गव अविरल कौशल सत्यम आयुष अमन अब बहुत सारे नाम आए अब फटाफट -फड़ में पढ़ नहीं पा रहा हूं हाँ थोड़ा सा जागो सो तो नहीं रहे हो पक्का ना समझ में आया बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सीरियसली और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है भाई मैं आपको जेई में जेई एडवांस लाइक क्वेश्चन है और जिस दिन आएगा ना ऐसे ही आएगा और कुछ नया नहीं होगा बस पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज इस तरह से सॉल्व होती है तो जब भी आएगा ना ऐसे ही क्वेश्चन आएगा ये क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बहुत इस क्वेश्चन को दो तरह से कर सकते हैं सबसे पहले तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 65 में आप लेमडा एम इनफाइनाइट ऑफ एच टू ओ निकाल सकते हो लेमडा एम इंफाइनाइट ऑफ एच टू ओ जो कि एच प्लस और ओच का सम हो जाएगा तो ये आ जाता है 5.5 पॉइंट फाइव इंटू टेन की पावर माइनस टू साइम्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स राइट और मुझे लगता है बहुतों तो ने ये फॉर्मूला लगा दिया होगा लेमडाइम इंफानेट ऑफ एच टू ओ कंडक्टिविटी दे रखी है डिवाइडेड बाय थाउजेंड इनटू एस और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जो है वो एस स्क्वायर हाँ या ना कैसे ही किया था ज्यादा बार बार कमेंट मत किया करो यार एक बार ही लिखा करो तीन तीन बार चार चार बार मत लिखा करो एक बार यस लिखा करो तुम तो ऐसा लगता है कि जैसे दबा देते हो उस बटन को बस जितनी बार जा रहा है सब आ जाएगा एक बार लिखा करो ज्यादा सही है तीन तीन बार मत एंटर किया करो यस अब इसमें डाउट यह है कि ये जो तरीका मैंने बताया था ना ये तो मैंने स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट के लिए बताया था और वाटर तो कोई स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है नहीं वाटर कोई स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है नहीं हमने लेकिन उसके लिए भी वैसे किया और कह सकते हो कि यहां से सोल्युबिटी टाइप्स और इससे एस स्क्वायर कर लिया तो आंसर आ गया जबकि वाटर तो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो फिर करना कैसे चाहिए करना ऐसे चाहिए कंडक्टिविटी दे रखी वाटर की के तो सबसे और यहां पर वाटर की कंडक्टिविटी दे रखी कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर कितनी होती थाउजेंड डिवाइडेड बाय एटीन इसको मैं काम करता हूं सी लिख देता हूं और सी की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है थाउजेंड डिवाइडेड बाय एटीन ठीक है तो यहां से आपने क्या निकाल लिया एम और लेमडा एम अपॉन लेमडा एम इनफाइनाइट किसे हमने क्या निकाल दिया फिर अल्फा यानी वाटर कितना आयोनाइज हो रहा है वो पता चल गया और अल्फा पता चल गया तो एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन कितनी होती सी अल्फा तो के डब्ल्यू इक्वल्स टू सी अल्फा का होल स्क्वायर यही करना है हाँ है ना अल्फा पता चल गया और अल्फा से अल्फा एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन एच प्लस और ओ आयन कंसेंट्रेशन बराबर तो के डब्ल्यू का के डब्ल्यूस टू सी अल्फा का होल स्क्वायर इससे भी ऐसे कर सकते हैं इसमें कोई डाउट नहीं है जैसा हम कर रहे थे वैसा ही है हाँ और लकीली कह सकते हो दोनों मेथड से आंसर सेम आ रहा है क्यों सेम आ रहा है उसकी बात करते हैं जबकि थॉट प्रोसेस दोनों जगह बहुत अलग है एक जगह हम इसे 100% परसेंट आयोनाइज कंसिडर नहीं कर रहे हैं अल्फा निकाल रहे हैं दूसरी जगह आप उसे 100% परसेंट आयोनाइजेशन कंसिडर कर रहे हो क्योंकि यहां लेमडम की जगह आप लेमडैम इंफानेट तभी लिखते हो जब अल्फा वन होता है यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जबकि यहां पर तो हम उसे वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह ट्रीट कर रहे अब अगर ओवरऑल देखा जाए तो हुआ क्या एक तरह से इस की वैल्यू क्या है एम इक्वल टू अल्फा टाइम्स इंफानाइट यानी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं यहां लिख देता हूं चलो अल्फा टाइम्स एम इंफानाइट इक्वल टू के अपॉन थाउजेंड इनटू सी राइट और अब इस अल्फा को आप इस तरफ शिफ्ट कर दो तो ये हो गया सी अल्फा और कह सकते हैं कि यहां पर इसी सी अल्फा को मैंने क्या लिख दिया एस और के डब्ल्यूस टू एस स्क्वायर यहां से भी देखोगे तो के डब्ल्यूस टू एस मैथमेटिकली देखा जाए तो दोनों जगह सेम चीज हो रही है सेम चीज हो रही है इसीलिए आंसर सही आ रहा है अब हमें कैसे सोचना है क्वेश्चन आता है लेकिन थॉट तो गलत है ना इस थॉट को सही बनाया जा सकता है ये तरीका भी सही है बट इसमें सोचना कैसे उसका तरीका मैं बताता हूं यहां पर क्या हो रहा है यह एस क्या वाटर की कंसेंट्रेशन है नहीं आपने क्या किया के डब्ल्यू डब्ल्यूस टू एस स्क्वायर मतलब यहां पर यह जो एस है यह वाटर की कंसेंट्रेशन नहीं है वाटर की कंसेंट्रेशन तो थाउजेंड बाय एटीन होती है थाउजेंड बायीन होती है तो यहां पर यह एस क्या है वाटर जो आयोनाइज हो रहा है वाटर जो आयोनाइज हो रहा है यानी दिस इज एच प्लस आयन कंसंट्रेशन या कह दो ओ एच आयन कंसंट्रेशन तो अब आप यहां पर क्या करो पानी को दो पार्ट में तोड़ो वाटर जो है ना उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो एक पानी जो आयोनाइज हो रहा है दूसरा जो आयोनाइज नहीं हो रहा है जो आयोनाइज नहीं हो रहा ना वो तो हो गया सॉल्वेंट और जो पानी आयोनाइज हो रहा है उसे कह दो सॉल्यूट। अब हमें उस पानी की कंसेंट्रेशन से मतलब है जो आयोनाइज हो रहा है और ये हमें पता है कि वो तो और वो तो पूरा ही हो रहा है क्योंकि आपने उस पानी को सॉल्यूट मान लिया जो आयोनाइज हो रहा है तो वो तो पूरा ही आयोनाइज हो रहा है मतलब उसका अल्फा तो क्या हो गया वन तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ये वो वाटर है जो आयोनाइज हो रहा है उसकी कंसेंट्रेशन ये उसकी कंसेंट्रेशन मतलब वो तो 100% परसेंट आयोनाइज हो रहा है इसलिए यहां पर हम क्या लगा सकते हैं लेमडम इंफानेट तो यहां से आपको एस पता चल जाएगा मतलब पानी जो आयोनाइज हो रहा है वो इवन ये तरीका कोई ऐसा नहीं कि एच टू होगी केस में ही लगा सकते हो सपोज करो वाटर की जगह मैं आपको एसिटिक एसिड का क्वेश्चन देता हूं सुनना अच्छी तरह से मेरी बात को दूसरा क्वेश्चन देता हूं जिससे सब समझ में आ जाएगा यही चीज और अच्छी तरह से पॉइंट वन एम एसिटिक एसिड और इसकी भी आपको पीएच फाइंड आउट करनी लेट से पीएच फाइंड आउट करनी है और कोई डेटा फाइंड आउट करना है तो क्या करें पीएच मतलब एच प्लस आइन कंसेंट्रेशन आपको निकालनी राइट right? दो तरीके हैं एक तरीका इसका के पता हो तो इसका क्या निकाल इसका के पता होगा इससे यहां पर इसका के पता और इसकी कंसेंट्रेशन पॉइंट वन पुट एसिड की पूरी टोटल ये 100 नहीं हो रहा लेकिन आपने क्या लिखा एसिटिक एसिड की जो भी कंसेंट्रेशन है वो यहां पुट कर दी के पुट कर दिया उससे लेमडैम आ गया और लेमडम अपॉन लेमडम इनफाइनाइट करेंगे तो उससे क्या आ जाएगा अल्फा और फिर अल्फा से सी अल्फा करोगे तो यहां पर भी एच प्लस आइन कंसेंट्रेशन आ जाएगी लेकिन इसी को अब ऐसे सोचो एसिटिक एसिड को भी दो टुकड़े कर दो एक जो आयोनाइज हो रहा है एक जो आयोनाइज नहीं हो रहा है और सॉल्वेंट तो वाटर है तो अब यहां पर एसिटिक एसिड जो आयोनाइज नहीं हो रहा ना उससे तो कोई लेना देना ही नहीं है यार ना तो वो सोल्वेंट है ना वो आयोनाइज हो रहा है तो आपको केवल उस एसिटिक एसिड से मतलब है जो आयोनाइज हो रहा है जो आयोनाइज हो रहा केवल उसी से मतलब है तो अब मैं यहां पर एम इंफानेट के इन टू थाउजेंड थाउजेंड ऊपर आएगा या नीचे आएगा वो यूनिट्स पर डिपेंड करेगा अब मैं यहां पर पॉइंट वन नहीं पुट करूंगा मैं यहां पर एस पुट करूंगा और ये एस क्या है एसिटिक एसिड जो आयोनाइज हो रहा है यानी ये एस डायरेक्ट मुझे क्या दे देगा एच प्लस आइन कंसनट्रेशन या कह दो एसिटेट आयन की कंसेंट्रेशन डायरेक्ट एसिटेट आयन कंसंट्रेशन पता चल जाएगी आपको जो पार्ट आयोनाइज हो रहा है मैथमेटिकली वही चीज है जो यहां कर रहे हो वही चीज है दिस एस इज नथिंग बट एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन कुछ समझ में आई मेरी बात यस yes, हर क्वेश्चन ऐसे हो सकता है हर एक क्वेश्चन में आप अल्फा निकालने की जरूरत नहीं है सोचो so, यहां पर जो चीज आप तीन स्टेप में कर रहे हो वो एक स्टेप में हो रही है यहां पर पहले आपने लेमडाइम निकाला फिर अल्फा निकाला फिर एच प्लस आइन यहां एक स्टेप में हो रही है। एक ही स्टेप में डायरेक्ट आपको एच प्लस पता चल रहा है लेमडाइम इंफाइनिट यानी अल्फा ही गायब हो गया पिक्चर से अल्फा की जरूरत ही नहीं पड़ी बड़ी सही चीज बताई यार मैंने सीरियसली बता रहा हूं तुम्हें हाँ बिल्कुल थोड़ी बहुत तारीफ तो बनती है तुम्हें लग रहा है जो भी लगे लेकिन बड़ी अच्छी चीज बताई तुम्हें लोग बड़ा मजा आता ये चीज बता सोचना कैसे ऐसा लगता है क्वेश्चन हो रहा है तो ठीक है यार कर दो नहीं आप कहां कहां इस तरीके को यूज कर सकते हो स्पेसिफिक कंडक्टेंस तो पुट करोगे तभी तो लेमडा में इन्फानेट आएगा विशेष डिजोल्व तो पूरा हुआ है एसिटिक एसिड एसीट की कंसेंट्रेशन पॉइंट वन एम है मैं तो डिजोल्व तो पूरा ही हुआ यह आयोनाइज हंड्रेड परसेंट नहीं हो रहा है आयोनाइज हंड्रेड परसेंट नहीं हो रहा है समझ में आ गई मेरी बात डन चलो और कुछ था क्या होमवर्क और कुछ होमवर्क था क्या <laughs> हम्म तो आखिरकार मैंने अपनी तारीफ करवाई ली तुम लोगों से नहीं चलिए तो इस चैप्टर के लास्ट पार्ट पर आ जाते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है ये भी कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं ये जेई के सिलेबस में नहीं है ये जेई के सिलेबस में नहीं है पर जेई में क्वेश्चन आते हैं एडवांस की बात करूं तो पूरा एक तो मैच दी कॉलम आ चुका है उसके ऊपर आठ मार्क्स का एक बार और क्वेश्चन आ चुका है यानी आता रहता है तो आजकल कभी कभी वो सिलेबस सेलेबस होता रहता है ना सिलेबस ये है सिलेबस वो तो बोर्ड नहीं है एनसीआरटी में नहीं है चलो जी तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन यानी देखो सिलेबस में वो सारी चीजें हैं जो आप समझ सकते हो जितनी थ्योरी हमने पढ़ी उससे जो रिलेट हो रहा है उससे जो समझ सकते हो वो सब सिलेबस में है राइट right? तो इसलिए कोई बड़ा सिंपल सा पार्ट है ये मतलब क्वेश्चन कुछ भी आ सकते हो और जेई एडवांस वालों की तो कोई लिमिट ही नहीं है जेई एडवांस वालों की कोई लिमिट नहीं है हाँ एक बाउंड्री है ऐसा नहीं है लेकिन उसमें वो कुछ भी पूछ सकते हैं फिर भाई थ्योरी आपने पढ़ ली अब उससे जो भी समझ में आता है जो भी उससे सॉल्व हो सकता है वो सब पूछ सकते हो अविरल रिलेट तो सब हो ही रहा है तो सिलेबस में होना या नहीं होना इसका कोई मतलब ही नहीं है ये तो वही वाली बात होगी कि सर टेन तक की टेबल सिलेबस में है थर्टीन की क्यों पूछ ली हम टेन तक की सेलेबस में है सर उससे ज्यादा तो नहीं है ऐसा है क्या चलो जी तो अब आ जाते हैं कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन पर याद करो मैंने आपको कौन कौन सी टाइट्रेशन समझा दी मैंने आपको सबसे पहले रिडॉक्स टाइट्रेशन समझाई थी केमेनोफोर की एच टू और टू के साथ कि कब कलर चेंज होता है क्यों कलर चेंज होता है रिडॉक्स टाइट्रेशन याद है केमेनोफोर केस में हमें बाहर से कोई भी इंडिकेटर डालने की जरूरत नहीं पड़ती है मिनो फोर के टू जो है वो सेल्फ इंडिकेटर्स होते हैं जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होती है जब आप एक ड्रॉप और डालते हो तो सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है दूसरा फिर मैंने आपको एसिड बेस्ड टाइट्रेशन समझाई है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन जिसमें हम बाहर से इंडिकेटर्स इंडिकेटर indicator डालते हैं इंडिकेटर टाइफिनोफलीन मिथाइल ऑरेंज मिथाइल रेड इस तरह के इंडिकेटर्स जो हैं वो हमने यूज किए थे एक और टाइट्रेशन याद नहीं मेरे रखो बट ठीक है वो थोड़ी अलग है बट प्रसिप्टेशन टाइट्रेशन भी होती है राइट right नाउ भी हम एक टाइट्रेशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं टाइट्रेशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं अगेन पर्पस वही है किसी सॉल्यूशन की आपको क्या फाइंड आउट करनी है कॉन्सेंट्रेशन लेट्स से हमारे पास एक बीकर में एचसीएल है और हमें इस एचसीएल की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। और मैं आपको बता दूं दिस इज बेस्ट मेथड टू टाइट्रेट मतलब कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन बाकी जितनी भी टाइट्रेशन के तरीके उन सब में ज्यादा एक्यूरेट है ज्यादा कन्वीनियंट है इसकी एक्यूरेसी उन सबसे ज्यादा होती है सपोज करो आपको एच की कंसेंट्रेशन फाइंड आउट करनी है एक बीकर में एच भरा हुआ है तो यहां पर भी हम क्या करते हैं अगर एच का सॉल्यूशन है तो इसमें एनएच मिक्स करते हैं यानी कोई एसिड है तो इसके साथ में क्या मिक्स किया जाता है बेस यहां पर बाहर से कोई इंडिकेटर नहीं डाला जाता है तो फिर यहां क्या करते हैं लेट से आपने दो एम एल मिलाया दो एम एल मिक्स करने के बाद यहां पर जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में से मान लेता आपने पांच ml का एक सैंपल निकाला सुनना अच्छी तरह से प्रोसेस पांच ml का एक सैंपल निकाला उस सैंपल को एक सेल में भरा उस सेल का रजिस्टेंस मेजर किया रजिस्टेंस से कंडक्टेंस और कंडक्टेंस रजिस्टेंस हमने उसकी क्या मेजर कर ली कंडक्टेंस राइट फिर वापस से वो जो सॉल्यूशन था उसको इस बीकर में लाके डाल दिया फिर यहां से दो पांच एम एल और मिलाया फिर जो सॉल्यूशन बना उसमें से पांच एम सैंपल निकाला फिर उस सैंपल का रेजिस्टेंस मेजर किया और उस रेजिस्टेंस से फिर से कंडक्टेंस निकाल ली फिर फिर उस सॉल्यूशन को यहां लाके डाल दिया फिर यहां पर पांच एम एल सात एम एल और मिलाया फिर यहां से सैंपल निकाला उस सैंपल का रजिस्टेंस मेजर किया रजिस्टेंस से क्या आ गई कंडक्टेंस समझ में आ रहा है यह प्रोसेस क्या हम कर रहे हैं यानी फाइनली आपके पास एक डेटा होगा कि इतने एमएल एनएच डालने पर इतनी कंडक्टेंस इतने एम एल डालने पर इतनी कंडक्टेंस पांच एमएल डालने पर इतनी कंडक्टेंस सात एमएल डालने पर इतनी कंडक्टेंस पंद्रह एमएल डालने पर इतनी कंडक्टेंस पच्चीस एमएल डालने पर इतनी कंडक्टेंस इस तरह से आपके पास सात आठ दस रीडिंग्स होगी और इसी से आपको अब यह फाइंड आउट करना है यह जो डेटा आपके पास है उससे आपको यह फाइंड आउट करना है कि एच की कंसंट्रेशन क्या है यानी आपके पास डेटा क्या है पता आपको कि इतने एमएल एन डालने पर इतनी कंडक्टेंस इतने एमएल पर इतनी कंडक्टेंस इतने एमएल पर इतनी कंडक्टेंस अब क्वेश्चन यह आता है कि इससे कंसेंट्रेशन कैसे पता चलेगी तो पहला क्वेश्चन तो यह आता है कि जब हम एनओच डालेंगे और डालने के बाद यहां से सैंपल निकालेंगे उस सैंपल का हम रेजिस्टेंस मेजर करेंगे रेजिस्टेंस से कंडक्टेंस निकालेंगे तो क्या ये कंडक्टेंस जो हम मेजर कर रहे हैं क्या वो चेंज होगी या नहीं होगी क्या ये कंडक्टेंस चेंज होगी या नहीं होगी पहला क्वेश्चन तो ये आता है तो यहां पर इसको मैं कुछ डेटा से समझाता हूं आप लोगों को मिक्सअप करने से पहले मान लेते इनिशियली बीकर में H+ प्लस और सीएल की जो कंसेंट्रेशन है एक डेटा ले लेता हूं लेट से ये 1M और ये भी 1M है अब हमने क्या किया एन ए प्लस डाला एन डाला पॉइंट वन पॉइंट वन जैसे एन ए डालोगे क्या होगा रिएक्शन होगी डेफिनेटली कौन रिएक्ट करेगा H+ प्लस और ओ एच आइन एच आइन कम है तो ये क्या हो जाएंगे जीरो एच प्लस पॉइंट वन से कम हो जाएंगे तो कितने बचेंगे क्या C, L, I, N, की कोई रिएक्शन होगी होगी नहीं एनए होगी. होगी? प्लस होगी. तो और सीएल भी तो रिएक्ट करके एन ए सी एल बनाएंगे ये मैं पहले भी बता चुका हूं एनए प्लस और सीएल के बीच में कोई रिएक्शन नहीं होती है पानी में आप एन ए सी एल डालते हो तो और आयंस में टूट जाता है तो ऑलरेडी आयंस में तो इनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं होगी यानी देखा जाए तो हुआ क्या मिक्सअप करने से पहले सॉल्यूशन में इसकी कंसेंट्रेशन भी वन एम इसकी भी वन एम मिक्सअप करने के बाद सीएल की तो अभी भी उतनी है कोई चेंज नहीं हुआ एच प्लस की कंसेंट्रेशन पॉइंट वन कम हो गई तो उसकी जगह एनए प्लस की कंसेंट्रेशन पॉइंट वन एम बढ़ गई यानी एच प्लस जितना कम हुआ एनए प्लस उतना ही बढ़ गया देखो ओवरऑल तो सॉल्यूशन को न्यूट्रल रहना ही है चार्ज वाइज चार्ज वाइज ओवरऑल सॉल्यूशन तो न्यूट्रल रहेगा तो H प्लस जितना कम हुआ उतना ही Na प्लस बढ़ गया एन पर चार्ज और केटाइन पर चार्ज अभी भी बार इक्वेट करोगे तो वो इक्वल है यानी ये कह सकते हैं हम कि जब HCl में हम NaOH डालेंगे तो कुछ आयंस की कंसेंट्रेशन कम होगी कुछ आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी कुछ आयंस की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा यह हम यहां पर कह सकते हैं तो यही यह लाइन यह लिखो इन एसिड बेस टाइट इन ए टाइट्रेशन प्रोसेस इन ए टाइट्रेशन प्रोसेस सम ऑफ द आयंस आर replaced by some other ions some other ions these ions have different lambda -m हेंस कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन वेरी हेंस कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन वेरीज सॉल्यूशन की कंडक्टेंस जो है वो चेंज होगी क्योंकि आयंस की कंसेंट्रेशन बदल रही है और कंडक्टेंस इन्हीं आयंस के कारण होती, होती है किसी आयन की कंडक्टेंस ज्यादा होती है किसी आयन की कंडक्टेंस कम होती है तो उसके कारण सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी भी चेंज होगी अब यहां पर लिखिए आगे उसके बाद दीज आयन दीज चेंजेस आर वेरी लार्ज दीज चेंजेस आर very large if h plus or oh ions are replaced by some other ions or they replace the Other ions, or they replace the other ions. इसका क्या मतलब हुआ ये जो लाइन मैंने यहां पर लिखी इसका मतलब यह कि अगर H+ प्लस आयन और OH- एच को कोई और आयन रिप्लेस करता है या ये किसी और आयन को रिप्लेस करते हैं तो कंडक्टेंस में जो चेंज होगा वो बहुत ज्यादा होगा इसके दो मतलब निकलते हैं दो मतलब क्या निकलते हैं कि या तो H+ प्लस और OH- एच की कंडक्टेंस बाकी आयन से बहुत ज्यादा है या बाकी आयन से बहुत कम है ये मतलब निकलते राइट तो अब क्वेश्चन ये आता है क्या H+ प्लस और OH- एच की कंडक्टेंस बाकी आयन से बहुत ज्यादा है या रिमेनिंग आयन से बहुत कम है क्या लगता है आपको कि H+ प्लस और OH- एच की कंडक्टेंस जो रिमेनिंग आयन्स है यानी सारे आयंस हो गए Na+, Cl- प्लस सी एल सारे हो गए रिमेनिंग मतलब बाकी सारे आ गए उसमें उन सबसे बहुत ज्यादा है या उन सबसे बहुत कम है सोचो आप कंडक्टेंस कैसे कंपेयर करते हो अगर मैं आपसे कहूं के प्लस और एन ए प्लस किसकी कंडक्टिंग पावर ज्यादा है इनऑर्गेनिक में आप आई थिंक करते हो इनऑर्गेनिक में हम करते हैं के प्लस और एनए प्लस में से किसकी कंडक्टिंग पावर ज्यादा है कौन ज्यादा चार्ज कंडक्ट करता है बताओ देखें एनए प्लस ज्यादा कौन कंडक्ट करता है एनए प्लस या के प्लस एक्सप्लेनेशन भी लिखो ज्यादातर का आंसर है के प्लस क्यों बिल्कुल सही तना ने लिखा है गैसिस साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेटेड साइज यस जिसकी गैसिस फेज में साइज छोटी होती है वो पानी में बड़ा हो जाता है उसका पोलर हाइड्रेशन ज्यादा होता है एन ए प्लस गेसिस फेज में छोटा होता है लेकिन एक्वस फेज में ये बड़ा हो जाता है और बड़ा होने के कारण के प्लस की कंडक्टिविटी जो होती है वो Na+ प्लस से ज्यादा होती है राइट right? तो K+ प्लस की कंडक्टिविटी Na+ प्लस से ज्यादा होती है अब बताओ Na+ प्लस और H+ प्लस में कंपेयर करें तो Na+ प्लस और H+ प्लस में कंपेयर करें तो किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी अच्छा यहां पर फेज़ में साइज़ कंपेयर करें तो H तो H+ बहुत छोटा है H+ प्लस बहुत छोटा है तो उसके हाइड्रेटेड आयन की साइज ज्यादा होगी और उसके H+ प्लस के हाइड्रेटेड आयन की साइज बड़ी होगी तो उसकी कंडक्टिविटी कम होगी लॉजिक तो यही कहता है लेकिन आंसर इससे नहीं आता है और आंसर यह कि H प्लस की कंडक्टिविटी जितने भी आयंस होते हैं उन सब से बहुत ज्यादा होती है उन सब से बहुत ज्यादा होती है सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसी आयन की है तो दैट इज H प्लस और थोड़ी बहुत नहीं फाइव टाइम्स सिक्स टाइम्स फोर टाइम्स इतनी ज्यादा होती है बट क्वेश्चन आता क्यों H+ प्लस का तो हाइड्रे H प्लस आइन फेज में छोटा होगा तो उसके हाइड्रेटेड आइन की साइज बड़ी होगी तो उसके कारण तो कंडक्टिविटी कम होनी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता है क्यों नहीं होता है चलिए वो समझते हैं वो समझते हैं और इसका क्वेश्चन पता नहीं क्यों जेई में तो नहीं आया है बट कहीं ना कहीं इस पर क्वेश्चन आया है मेरे को याद नहीं आ रहा कौन से एग्जाम में आया है या तो किसी ओलंपियाड में या कहीं ना कहीं आया है चलो क्यों H+ प्लस की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है मैं भी मतलब इतना श्योर नहीं हूं मुझे देखना पड़ेगा याद नहीं आ रहा मुझे तो यहां पर केवीपी तो बेटा बंद हो गया चलो वापस इस पर आते हैं एक्चुअली मान लो किसी आयन को एन ए प्लस आयन को चार्ज कंडक्ट करना है और ये है कैथोड और ये है एनोड तो इस Na को आयन को मूव करना होगा को तक जाना पड़ेगा Ani, an... आयन को कैथोड तक, तक अब ये कितना चार्ज कितनी जल्दी चार्ज कंडक्ट करेगा ये इसकी स्पीड पर डिपेंड करेगा स्पीड इसकी साइज पर डिपेंड करेगी साइज जितनी ज्यादा होगी स्पीड उतनी कम होगी तो इसीलिए Na ए प्लस सी एल आईन के प्लस इनकी जो कंडक्टिविटी होती है कंडक्टिंग पावर जो होती है वो इनकी साइज पर डिपेंड करती है लेकिन एक H प्लस की अगर हम बात करें कि H प्लस की कंडक्टिविटी H प्लस आइन कैसे चार्ज कंडक्ट करता है अगर हम उसकी बात करें तो ये जो पानी में H प्लस आइन होते न, आप सबको पता है ये एच से अटैच होके एच थ्रीओ प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं एच प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं अब यहां पर क्या होता है अगर हमें इस H के चार्ज को कैथोड तक ट्रांसफर करना है तो होता क्या है कि ये एच थ्री ओ प्लस अपने नियर बाई वॉटर मोलिक्यूल को इसको अपना ये H+ प्लस दे देगा ये कन्वर्ट हो जाएगा H2O में और ये कन्वर्ट हो जाएगा एच थ्री ओ प्लस में राइट right? अब क्या होगा इसके नियर बाई जो एच टू ओ मोलिक्यूल है ये एच प्लस आइन उसको शिफ्ट हो जाएगा तो ये वापस किस में कन्वर्ट हो गया एच टू ओ में और ये कन्वर्ट हो जाएगा एच थ्री ओ प्लस में तो अगर हम देखें यहां पर तो यहां पर ये एच प्लस आइन ये तो अभी भी वही है लेकिन ये प्लस चार्ज यहां से यहां जंप कर गया यहां से यहां जंप कर गया और अब क्या होगा ये एच प्लस आइन यहां से इस कैथोड पर शिफ्ट हो जाएगा ये एच प्लस आइन इससे निकल के कैथोड पर शिफ्ट हो जाएगा यानी यहां पर ये जो प्लस वन चार्ज यहां था ये यहां से यहां यहां से यहां यानी एक तरह से जंप कर रहा है मूव नहीं कर रहा है जंप कर रहा है This is also known as charge jump mechanism. इसे कहा जाता है चार्ज जंप मैके चेन बन जाती यूं सोचो आप समझ में आ रहा है बहुत जगह आपने देखा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जब होता है ना तो वो ईटे ईटे अगर एक जगह से दूसरी जगह ऊपर तक पहुंचानी है बिल्कुल सही कहा टेलीपोर्ट करना टाइप से नहीं तो लाइन से बहुत सारे खड़े हो जाते हैं लेबर से होती लाइन से खड़ी हो जाती है एक दूसरे को शिफ्ट फिर आगे से आगे फिर आगे से उसमें एफिशिएंसी बढ़ जाती है बहुत ज्यादा यही चीज यहां पर हो रही है मॉलिक्यूल है इस वाले H2O के पास एक एक एच एच प्लस आया तो इसने इधर से लिया दूसरे साइड वाला दूसरे को दे दिया फिर उसने अपना एक एच प्लस लिया दूसरा वाला उस पास वाले को शिफ्ट कर दिया बिकॉज ऑफ दैट यू एक चेन स्टार्ट हो जाती है और ये प्रोसेस इतना फास्ट हो जाता है जिसके कारण एच प्लस की कंडक्टेंस बाकी सभी आयन से बहुत ज्यादा होती है और क्यों एच प्लस और ओ OH एच ही ऐसा कर सकते हैं क्योंकि इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड तो एच प्लस या ओ OH एच ही बना सकते हैं और कोई नहीं बना सकता इसीलिए ये जो मेथड है ये केवल एच प्लस और ओ OH एच में ही यूज होता है एंड दिस मैकेनिज्म इज नॉन एज ग्रोथस मैकेनिज्म इसे कहा जाता है ग्रोथस मैकेनिज्म या चार्ज जंप मैकेनिज्म बोला जाता है इसको चार्ज जंप मैकेनिज्म ओ एच आइन के केस में क्या होता है वो भी बता देता हूं ये ओ एच क्या करते हैं अपने नियर बाई एच टू ओ से एक एच प्लस आइन ले लेते हैं ये देते नहीं है ले लेते हैं जिसके कारण क्या होता है ये तो कन्वर्ट हो गया एच टू ओ में और नियर बाय वाटर मॉलिक्यूल जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया एच OH माइनस में वो फर्दर एक और एच प्लस आइन इसको दे देगा तो ये तो कन्वर्ट हो जाएगा एच टू में और ये आ जाता है ओ एच माइनस इस तरह से इसकी एफिशिएंसी भी जो है वो बढ़ जाएगी तो कंक्लूजन ये है कि एच प्लस और ओ एच OH आइन की कंडक्टेंस बाकी सभी आइन से बहुत ज्यादा होती है रफली एक डेटा में आपको दू तो एच प्लस की एम की वैल्यू होती है थ्री फिफ्टी के आसपास थ्री फिफ्टी ओ एच की होती है टू हंड्रेड अब ये मत सोचना कि ओ एच आईन की एच प्लस से क्यों कम होती है वो ठीक है लेकिन बाकी आइंस की सिक्सटी सेवनटी फिफ्टी इसी के आसपास होती है बाकी आयंस की कंडक्टेंस में डिफरेंस होता है लेकिन बहुत कम होता है 60, 70, 80 एटीसी रेंज में होती है और एच प्लस की 350 की रेंज में होती है अभी एक क्वेश्चन भी किया था आपने याद है एच टू वाला उसमें डेटा देख लेना आप ये यूनिट्स पर डिपेंड करेगा 350, 200 कौन सी यूनिट्स में आप ले रहे हो बट दिस मैकेनिज्म इज नॉन एज ग्रोथस मैकेनिज्म या चार्ज जंप मैकेनिज्म और बिकॉज ऑफ दैट कह सकते हो कि H प्लस की कंडक्टेंस ओ एच आइन की कंडक्टेंस बाकी सभी आयन से बहुत ज्यादा होती है बाकी सभी आयन से बहुत ज्यादा होती है क्लियर और पूरी कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन इसी पर बेस्ड है पूरी कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन जो है वो इसी पर बेस्ड है हाँ बेटा बिल्कुल दिव्यांशु ये सही कहा तुमने अगर सॉल्वेंट चेंज हो गया तो फिर स्टोरी बदल जाएगी ये हम एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं जिस दिन सॉल्यूशन सॉल्वेंट बदल गया फिर पता नहीं क्या होगा पता नहीं सप्तांशु क्या डाउट आ रहा वाई देच लेमडा डेटा उसी क्वेश्चन में देखना बेटा अब यहां पर ये फैक्ट याद रखना टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रांग बेस एक स्ट्रांग एसिड को स्ट्रांग बेस के साथ हम टाइट्रेट कर रहे हैं एचसीएल प्लस जो पहले लिखा होगा वो बीकर में है जो बाद में लिखा हुआ है वो ब्यूरेट में यानी एच सी एल के सोल्यूशन में हम ड्रॉप बाई ड्रॉप डाल रहे हैं सोचो मैंने क्या बताया था टाइट्रेशन में हम करेंगे क्या प्रैक्टिकली क्या करेंगे एनएच डाला दो एम उस सोल्यूशन वहां से एक सोल सैंपल निकाला उस सैंपल का हमने रेजिस्टेंस मेजर किया रेजिस्टेंस से कंडक्टेंस फिर दो पांच एमएल और एन मिलाया फिर उसका रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस से कंडक्टेंस इस तरह से हमारे पास एक डेटा होगा कि इतने एम एल डालने पर इतनी कंडक्टेंस इतने एम पर इतनी कंडक्टेंस इतने एम पर इतनी कंडक्टेंस ठीक है अब इससे कैसे हमें एच की कंसेंट्रेशन पता चलेगी वो बताता हूं तो पहले थियोरटिकली सोचो कि अगर हम यहां पर एक कर प्लॉट करें बिटवीन कंडक्टेंस जी मतलब कंडक्टेंस एंड वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड क्या होगा जब हम HCl के सोल्यूशन में एन डालते हैं तो अभी हमने यहां पर देखा था जब हमने एच के सोल्यूशन में थोड़ा सा एनओच डाला तो सीएल की कंसेंट्रेशन में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं और यहां ध्यान रखना जब हम HCl में एन डाल रहे ना तो वॉल्यूम में कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है हा आयंस की कंसेंट्रेशन आयंस के नंबर्स में जरूर चेंज हो रहा है तो जब हमने यहां पर एन एच सी एल के सोल्यूशन में एनएस डाला तो सी एल के मोल्स तो जितने थे उतने ही रहेंगे वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे लेकिन एच प्लस आयन के मोल्स कम हो गए आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई उसकी जगह किसकी बढ़ गई Na+ प्लस की उसकी जगह किसकी बढ़ गई Na+ प्लस की लेकिन आपको भी पता है Na+ प्लस की कंडक्टेंस तो उतनी नहीं है जितनी एच प्लस की है तो ओवरऑल कंडक्टेंस क्या होगी सॉल्यूशन की

फ्टर दस पॉइंट जब एच पूरा खत्म हो गया अब जब आप डालोगे, तो एन प्लस की कंसेंट्रेशन भी बढ़ेगी और ओ एच आई की भी बढ़ेगी अभी तक ओ एच आईन नहीं बढ़ रहा था एच प्लस कम हो रहा था और एन प्लस बढ़ रहा था अब जब आप और एन डालोगे तो एन ए प्लस की कंसेंट्रेशन भी बढ़ेगी ओ एच की कंसेंट्रेशन भी बढ़ेगी यानी आफ्टर दस पॉइंट कंडक्टेंस वापस बढ़ने लगेगी जो पहले कम हो रही थी वो फिर बढ़ने लगेगी यानी अगर हम यहां पर एक कर प्लॉट करें तो वो कर कुछ ऐसा आएगा स्टार्टिंग में कंडक्टेंस जो है वो कम होगी आफ्टर द इक्वेलेंस पॉइंट जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होगी अब जब आप और एन एच तो कंडक्टेंस फिर से बढ़ने लगेगी हां यहां पर कह सकते हो ये इसका फर्स्ट पार्ट ये सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट ऐसा क्यों है बिकॉज एच प्लस आइन्स आर रिप्लेस्ड बाय एन ए प्लस आइंस और ये एन ए प्लस एंड ओ एच आईन कंसेंट्रेशन इंक्रीजेस हमें इनके स्लोप को कंपेयर नहीं करना है कि इधर का स्लोप ज्यादा होगा या इधर का स्लोप ज्यादा होगा वो कंपेयर नहीं कर रहे हैं ध्यान रखना बट ये कह सकते हो कि जो मिनिमा आएगा वो किस पॉइंट पर आएगा इक्वेलेंस पॉइंट पर आएगा इक्वेलेंस पॉइंट पर, पर कंडक्टेंस जो होगी वो सबसे कम होगी तो ये थियोरटिकल कर प्लॉट किया हमने ये जो कर प्लॉट किया वो तो थ्योरटिकली किया है अब हम क्या करेंगे जो हमारे पास डेटा है एक्सपेरिमेंटल डेटा है आप क्या करोगे उसको प्लॉट करोगे कि इतने एम डालने पर कंडक्टेंस इतनी इतने एम पर इतनी इतने एम पर इतनी इनफैक्ट जब आप डेटा कलेक्ट कर रहे होंगे ना तो आप नोटिस करोगे इनिशियली तो कंडक्टेंस कम होगी पांच एम डालने पर कम होगी सेवन एम डालने पर भी कम हुई टेन एम डालने पर भी कम हुई फिर आप नोटिस करोगे ट्वेल्व एम डालने पर थोड़ी बढ़ गई फिफ्टीन एम पर और बढ़ गई एटीन एम पर और बढ़ गई जैसे ही कंडक्टेंस बढ़ने लगे समझ जाओ आप इक्वलेंस पॉइंट को क्रॉस कर चुके हो समझ जाओ आप इक्वलेंस पॉइंट को क्रॉस कर चुके हो आपके पास दो तीन डेटा तो इक्वलेंस पॉइंट के पहले के होने चाहिए दो तीन डेटा इक्वलेंस पॉइंट के बाद के होने चाहिए इस तरह से आपके पास कुछ डेटा आ जाएगा आपको क्या करना है इन सबको एक स्ट्रेट लाइन से इन सबको एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करो और ये जो मिनिमा वाला पॉइंट आएगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या निकाल लो वॉल्यूम उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या निकाल लोगे वॉल्यूम यही आपका इक्वेलेंस पॉइंट है इस मेथड की अच्छी बात पता क्या है यानी कि आपके पास इक्वलेंस पॉइंट का डेटा होना चाहिए कोई जरूरी दो तीन डेटा उससे पहले वाले दो तीन डेटा उसके बाद वाले जब आप नॉर्मल इंडिकेटर्स वाली टाइट्रेशन करते हो तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है छोटी छोटी ड्रॉप डालनी पड़ती है एक अगर आपने जल्दी से ज्यादा गलती से ज्यादा डाल दिया सब गलत हो जाएगा यहां ऐसा कुछ नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है दो तीन पॉइंट्स इक्वेलेंस पॉइंट से पहले दो तीन पॉइंट्स उसके बाद में दोनों को कनेक्ट करके ये मिनिम आ जाएगा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम चेक कर लो और यही आपका क्या होगा इक्वेलेंस पॉइंट होगा राइट एक्सपेरिमेंट यानी एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं डायरेक्ट कर पूछा जाता है कि बताओ एच सी एल के को एन के साथ टाइट्रेट कर रहे हैं तो इसका ग्राफ कैसे होगा ये आपको बताना है अच्छा ये बताओ तो उल्टा कर दे तो एनएच को एचसीएल के साथ टाइट्रेट करें तो अगर मैं आपसे पूछूं इसका कर्व कैसा होगा एनएच के एनएच बीकर में और उसमें एच डाल रहे थो बताइए उल्टा हो जाएगा या यही रहेगा इससे एक्यूरेसी डेफिनेटली ज्यादा होगी तो कर वही रहेगा क्योंकि यहां एच प्लस रिप्लेस हो रहे हैं इसमें ओ एच आईन रिप्लेस हो जाएंगे तो इसका कर भी वैसा ही आएगा कहीं कोई चेंज नहीं होगा फ्लिप नहीं होगा बेटा अपसाइड इन्वर्टेड हाँ थोड़ा तो दिमाग लगाया करो यार पहले इंक्रीज हो जाएगा है। वैसा का वैसा ही रहेगा कोई चेंज नहीं होगा पहले H प्लस आइन कम हो रहे थे अब यहां पर ओ एच रिप्लेस होंगे कौन रिप्लेस कर रहा है ओ एच आईन को सीएल हा ये अच्छा क्वेश्चन पूछा आदित्य ने सर ग्राफ स्ट्रेट लाइन क्यों है ये अच्छा क्वेश्चन है देखो एक्जेक्टली तो स्ट्रेट exactly लाइन तो नहीं होंगे लेकिन ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होंगे लॉजिक बड़ा सिंपल सा है जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था कंडक्टेंस नंबर ऑफ पर डिपेंड करती है थोड़ी बहुत कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करती है कि वो कितने पास है कितने दूर है लेकिन पास में होना या दूर होना ज्यादा बड़ा फैक्टर नहीं है तो सोचो आपने पहले एक एमएलएनएच डाला उतनी ही एच प्लस आयन कम होंगे फिर एक एमएलएनएच और डाला फिर वापस उतनी H+ आइन कम होंगे, फिर एक एम्ल डाला उतनी H+ आइन कम होंगे और जितने H+ आइन कम होंगे कंडक्टेंस भी उतनी कम होगी, तो इसीलिए ये कर ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन ही आएगा। लेकिन ये तो था जब दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। सेकंड पार्ट पर आते हैं वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। यहां थोड़ा सा समझना पड़ेगा और दिमाग लगाना पड़ेगा यानी स्ट्रोंग वाला केस आसान था इसको थोड़ा और अच्छी तरह से समझना पड़ेगा एसिटिक एसिड को किसके साथ टाइट्रेट करें एन के साथ अब क्या होगा देखिए जो एसिटिक एसिड है ना ये वीक एसिड है और नॉर्मली ये एसिड acid या इस तरह के जो वीक एसिड होते हैं ना ये बहुत कम आयोनाइज होते हैं वन परसेंट के आसपास नाइन परसेंट या उससे भी ज्यादा तो ये फॉर्म में रहते हैं यानी मोस्ट ऑफ पार्ट इनका जो सोल्यूशन में होता है वो अन होता है राइट right? तो जो आयोनाइज पार्ट होता है वो तो बहुत कम होता है जैसे इसको यूं मान लो कि किसी सॉल्यूशन में इसके 10 मिली मोल्स है ना टेन मिली मोल्स लिया अब आप सोचो कि इस टेन मिली मोल्स में से आयोनाइज कितना होगा अगर टोटली टेन मिली परसेंट आयोनाइज हो रहा है तो आयोनाइज तो वन मिली मोल बाकी नाइन पॉइंट नाइन मिलीमोल तो अनायोनाइज है वो तो अनोनाइज है अब हमें यह पता है कि जब हम इसमें एनिव डालेंगे एन डालेंगे लेट से मैं एक मिलीमोल एन डालता हूं क्या ये रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा अब कंफ्यूजन क्या होता है बहुतों के दिमाग में एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन की पिक्चर बनाऊं तो एसिड अनायोनाइज एसिटिक एसिड भी है और थोड़ा बहुत एसिटेट आयन और एच प्लस आयन भी है थोड़ा बहुत जो कि बहुत कम है कितना पॉइंट और आपने एनेच कितना डाल दिया वन मिलीमोल अभी किसके साथ रिएक्ट करेगा तो सोचो जनरली ये पॉइंट वन मिलीमोल तो एच प्लस आयन है पहले तो उसके साथ रिएक्ट करेगा लेकिन है कितने पॉइंट वन तो चलो इसमें से पॉइंट वन इसके साथ रिएक्ट कर दिया बचा कितना पॉइंट नाइन क्या वो रिएक्ट नहीं करेगा वो भी करेगा बट वो पॉइंट नाइन फिर क्या करेगा इस अन एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा यानी इसको वो आयोनाइज कर देगा इसमें से एच प्लस आइन निकाल लेगा समझ में आ रही मेरी बात पहले यू मान लो कि थोड़े बहुत तो पहले ही H प्लस आइन थे उसके साथ तो रिएक्ट कर जाएगा कि ऑलरेडी H प्लस आइन है उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा लेकिन उसके साथ तो रिएक्ट कितना कर करेगा पॉइंट वन अब और बचा पॉइंट नाइन जो कि इसके साथ रिएक्ट करेगा तो इसके कितने रह जाएंगे नाइन पॉइंट वन कितने नाइन पॉइंट लेकिन क्या अब ये वापस आयोनाइज नहीं होगा क्या क्या ये वापस आयोनाइज नहीं होगा या अब जितना पहले हो रहा था तो यूं कह दो तो वापस इसमें से पॉइंट वन आयोनाइज हो जाएगा तो ये कितना बचेगा नाइन मिली मोन्स नाइन मिली मोन्स थोड़ा डेटा सोचना क्या यानी एक तरह से क्या हो रहा है मैं इसको ऐसे बताऊं इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से समझाता हूं शायद कभी होता होगा तुम्हारे घर में भी अगर कोई लोग तो ना या तो आप पापा से डरते हो या मम्मी से डरते हो किसी एक से डरते हो अगर आप घर में और आपको चाहिए पैसे लेट से आप पापा से डरते हो तो क्या होता है आप मम्मी के पास जाते हो कि थोड़े पैसे चाहिए अब मम्मी सपोज हाउस मेकर है तो क्या होगा कि आप मम्मी के पास जाओगे आप मम्मी से पैसे मांगोगे मम्मी कहां से देगी पापा से तो अल्टीमेटली रुपए कम कहां से हो रहे हैं पापा के पास उल्टा भी हो सकता है पता चला कि मम्मी से डर लगता है तो पापा के पास जाता है होता ऐसा हाँ हाँ हमारे घर में ऐसे ही होता है इसीलिए मैं बता रहा हूं तो पापा के पास जाते हैं पापा फिर पापा को भाई मांगने पड़ते हैं तो अल्टीमेटली अल्टीमेटली हो क्या रहा है? आप इसको ऐसे करो कि एसिटिक एसिड पहले आईन होगा एच प्लस में और वो एन के साथ रिएक्ट करेगा वो वो एच ओवरऑल तो कम तो एसिटिक एसिड ही हो रहा ना तो इस जो चैनल है उसमें बीच में जो आता कहते इंटरमीडिएट ट्रीज जो हैं उनको आप हटा सकते हो आप सीधा ये बोलो ना यार कि एस, ये जो एन एच है वो, वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है एसिटिक एसिड के साथ और वैसे भी ये तो बहुत कम है वैसे भी ये तो बहुत कम है इसको तो हटा दो ये पॉइंट वन है इसको भूल जाओ यू मानो बहुत कम आयोनाइज हो रहा है जैसे पानी होता ना पानी से H और ओ चाइन बहुत कम मिलते हैं उसको हटाओ पिक्चर से उसको पिक्चर से हटाओ और आप ये बोलो कि अगर हम एन डालेंगे तो वो एन किसके साथ रिएक्ट करेगा एसिटिक एसिड के साथ समझ में आई मेरी बात या नहीं आई ये बहुत कम है हटा रहे क्योंकि होगा क्या आपको कि पहले ये ये H+ कंज्यूम होगा तो फिर ये वापस प्रोड्यूस कर देगा तो आप ये बोलो ना कि एन डायरेक्टली किसके साथ रिएक्ट कर रहा है साथ और ये इतनी कम कंसेंट्रेशन है कि इसको तो हम क्या कर रहे, रहे हैं इसको तो हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो अब यहां पर ये जो थोड़ा बहुत आयोनाइज पार्ट है उसे भूल जाओ ये थोड़ा बहुत आयोनाइज पार्ट है उसे भूल जाओ हो क्या रहा है सोचो कि कि आप एक सॉल्यूशन है 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 जिसमें वीक बेस एसिटिक एसिड जो और अनोनाइज एसिटिक एसिड के कारण कोई चार्ज कंडक्ट नहीं होता है एसिटिक एसिड के कारण कोई चार्ज कंडक्ट नहीं होता है जब आप एसिटिक एसिड के साथ एन को रिएक्ट करवाओगे तो बनेगा क्या सोडियम एसिटेट सोडियम एसिटेट और ये तो आयंस की फॉर्म में रहता है ये तो आयंस की फॉर्म में रहेगा तो जब आप NaOH को एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में डालोगे तो एक तरह से आप कह सकते हो कि क्या बना रहे हो एसिटेट आयन और एनए प्लस आयन तो सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी बढ़ेगी क्योंकि एसीटेट आयन और एन ए प्लस की कंसेंट्रेशन बढ़ रही है तो सॉल्यूशन की कंडक्टेंस इंक्रीज होगी लेकिन ना तो एच प्लस बढ़ रहा है ना ओ OH एच बढ़ रहा है तो कंडक्टेंस बढ़ेगी जरूर लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बट बहुत ज्यादा नहीं बट सोचो आफ्टर द दस पॉइंट इक्वलेंस पॉइंट के बाद अब आपने और मिलाया अब एन एच तो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा और जब यह एन किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा तो अब एनए प्लस और ओ एच आईन दोनों की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी और सिंस ओ एच आईन की कंसेंट्रेशन बढ़ रही है इसीलिए कंडक्टेंस अब ज्यादा स्पीड से बढ़ेगी ऐसा किस पॉइंट के बाद होगा इक्वलेंस पॉइंट के बाद यानी फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट बिकॉज एन ए प्लस एंड ओ एच कंसंट्रेशन इंक्रीजेस और ये फर्स्ट पार्ट ऐसा क्यों है कह सकते हो अन आयोनाइज सी एस थ्री सी ओ ओ एच इज रिप्लेस्ड बाय इंटरेस्टिंग चीज बहुत इंटरेस्टिंग है बैठाइए बहुत इंटरेस्टिंग है तो इक्वलेंस पॉइंट के बाद ज्यादा स्पीड से बढ़ेगी क्योंकि एच प्लस एन ए प्लस और ओ एच एन की कंसेंट्रेशन बढ़ रही है तो इसलिए ऐसा लिखना कुछ नहीं जो बोर्ड पे बस मैं लिख रहा हूं वो लिख लो ये लिख लो और ये लिख लो दैट्स इट ग्राफ बनाओ और ये जो ग्राफ के साथ मैंने लिखा है वो लिख दो और बस इतना मतलब ये सोच लेना कि ये जो आयोनाइज पार्ट होता है ये बहुत कम होता है तो इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में ये सोचो कि मोस्टली एसिटिक एसिड अनआयोनाइज्ड है एन डालने पर वो अनआयोनाइज्ड एसिटिक एसिड सी एस थ्री सीओ एन ए में कन्वर्ट होगा सॉल्ट में कन्वर्ट होगा जो कि चार्ज को कंडक्ट करेगा अच्छा यहां उल्टा कर दे तो क्या होगा एने के सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड डाल रहा हूं अब बताओ कर्व कैसा होगा ढंग से दिमाग लगा के प्लॉट करना के सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड डाल रहे हैं सोच समझ के हर एक आयन टू आयन सोचना इनिशियली सोचो एने का सॉल्यूशन है कौन से आइनस होंगे बीकर के अंदर ऐसे नहीं ओवरऑल नहीं समझ में आएगा इनिशियली कौन से आयंस है उसके कारण कंडक्टेंस क्या है फिर मान लो आप इसके आपने पॉइंट इनिशियली इसका मोल था अब आपने एसिटिक एसिड का पॉइंट वन मोल डाला पॉइंट वन मोल डाला कौन से आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी कौन से आयंस की कंसंट्रेशन कम होगी हर एक आयन की कंसंट्रेशन चेक करो कौन कौन से आयंस की कंसेंट्रेशन चेंज होगी उसके बाद डिसाइड करो कि कंडक्टेंस बढ़ेगी कम होगी कांस्टेंट रहेगी तब जाके कर अपलोड करो हर एक आयन की कंसेंट्रेशन पर कमेंट करो यह मत बोलो कंडक्टेंस बढ़ेगी नहीं बढ़े पहले तो यह बोलो कि एन का सॉल्यूशन है उसमें एसिटिक एसिड डालने पर एन की कंसनट्रेशन बढ़ेगी कम होगी ओ OH आयन की कंसलटेशन बढ़ेगी कम होगी और जो भी एसिटेट आयन है H प्लस आयन है इन सब की कंसेंट्रेशन के बारे में सोचो अमन का आंसर आया है आर्यन का भी आंसर आया है सप्तांशु का भी आया है थाहन का आया लेकिन था बताओ इनिशियली क्या होगी उससे मतलब नहीं है इंक्रीज इक्वेलेंस पॉइंट से पहले डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी इक्वेलेंस पॉइंट के बाद डिक्रीज होगी इंक्रीज होगी क्या होगा वो बताना है हर्षित का भी आंसर आया है सप्तांशु का भी दिख रहा है मुझे अमन और भी शायद अमन है एक अमन का है सेम एक और अमन का है कुछ अलग आंसर है विशेष H प्लस तो पहले भी नहीं थे बाद में भी नहीं रहेंगे तो यहां पर इनिशियली सॉल्यूशन में एन ए प्लस और ओ एच है आप उसमें एसिटेट आइन ये डाल रहे हो और ये जो भी डालोगे रिएक्ट कर जाएगा तो लेट से ये वन ये वन ये पॉइंट वन ये पॉइंट वन तो क्या होगा ये पॉइंट नाइन रह जाएगा ये पॉइंट वन ये अभी भी वन और ये जीरो तो एक तरह से देखा जाए तो ओ एच आइन कम हुई और एसिटेट आइन कंसेंट्रेशन बढ़ गई बट ओ एच आइन कम हो रही है इसीलिए कह सकते हो कंडक्टेंस भी कम होगी कंडक्टेंस भी कम होगी क्योंकि ओ एच आइन को किससे रिप्लेस कर रहे हो आप एसिटेट आयन अब आफ्टर द इक्वेलेंस पॉइंट क्या होगा इक्वेलेंस पॉइंट पर आप सॉल्यूशन में सी एस थ्री सी ओ एन ए प्रेजेंट है मतलब एसिटेट आयन अब आप इसमें और एसिटिक एसिड डालोगे तो ये एसिटिक एसिड हमें पता है पहले ही वीक है ऑलरेडी वीक है बहुत कम आयोनाइज होता है और इस पर कॉमन आयन इफेक्ट भी लग रहा है इस एसिटेट का इस एसिटेट आइन का कॉमन आइन इफेक्ट और लगेगा पहले ही वीक है तो उसके कारण भी कंडक्टेंस बहुत कम है यहां पर कॉमन आइन इफेक्ट और लगेगा जिसके कारण इसका आयोनाइजेशन और भी बहुत कम होगा मतलब इक्वलेंस पॉइंट के बाद आप एसिटिक कैसे डालोगे जरूर लेकिन वो मोस्टली अन ही रहेगा तो उसके कारण कोई कंडक्टेंस नहीं होगी मतलब ये कर ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल रहेगा रहेगारिजेंटल कम और यहां पर कोई चेंज नहीं हो क्यों कम हो रहा है वो पता होना चाहिए ओ एच OH आइन कंसंट्रेशन डिक्रीजेस इसके लिए बात कर रहा हूं एसिटेट आयन कंसेंट्रेशन इंक्रीजेस लेकिन यहां पर कोई चेंज नहीं कोई चेंज नहीं यह हॉरिजेंटल ही रहेगा एन दिस पॉइंट इज इक्वलेंस पॉइंट इसी पॉइंट को हम कहते हैं इक्वलेंस पॉइंट और दोनों ही अगर वीक है तो वीक एसिड प्लस वीक बेस एग्जाम्पल एसिटिक एसिड को आप टाइट्रेट कर रहे हो किसके साथ NH4OH फोर ओ एच के साथ अब यहां पर सोचो एसिटिक एसिड बहुत कम आयोनाइज होगा बहुत कम आयोनाइज होगा अब आप उसमें एनएच फोर ओ एच डाल रहे हो तो ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे सॉल्ट और ये सॉल्ट जो है वो किस फॉर्म में रहेगा आयंस की फॉर्म में रहेगा सॉल्ट जो है वो तो आयंस की फॉर्म में रहेगा तो यस यहां पर भी आप कह सकते हो कि अन आयोनाइज एसिटिक एसिड को आप एक सॉल्ट में कन्वर्ट कर रहे हो सॉल्ट में कन्वर्ट कर रहे हो यानी यही वाला केस फिर से आ जाएगा यही वाला केस फिर से आ जाएगा कि आप यहां पर एक अन आयोनाइज एसिड को सॉल्ट में कन्वर्ट कर रहे हो तो कंडक्टेंस बढ़ेगी लेकिन आफ्टर द इक्वेलेंस पॉइंट क्या होगा आफ्टर द इक्वेलेंस पॉइंट अब सॉल्यूशन में एसिटेट आयन भी है एन एच फोर प्लस आइन भी है अब आप इसमें और वीक बेस मिला रहे हो तो ये भी वीक बेस है बहुत कम आयोनाइज होता है और साथ में क्या लग रहा है कॉमन आयन इफेक्ट साथ में क्या लग रहा है कॉमन आयन इफेक्ट जिसके कारण ये वीक बेस बहुत कम आयोनाइज होगा और बहुत कम आयोनाइज होगा तो आफ्टर द इक्वेलेंस पॉइंट कंडक्टेंस में कोई चेंज नहीं होगा जो चीज यहां थी वो यहां आ गई पहले बढ़ेगा फिर कांस्टेंट हो जाएगा लेकिन यहां मैं आपको बताऊं तो एक प्रॉब्लम होती है इस तरह की टाइट्रेशन में क्या प्रॉब्लम होती है वो बता रहा हूं एक्चुअली ये जितने शार्प कॉर्नर होंगे ना उनको डिटेक्ट करना उतना ही आसान होता है क्यों शार्प कॉर्नर को डिटेक्ट करना आसान होता है उसका लॉजिक समझाता हूं जैसे एक्चुअली जब आप एक्सपेरिमेंटली डेटा लेते हो ना तो ऐसा थोड़ी एकदम बहुत ही स्ट्रेट लाइन में आते हैं होता क्या जैसे आप ये ट्राइट्रेशन कर रहे हो ना जब आपके पास डेटा आएंगे तो ऐसा कुछ आएगा कि ये एक पॉइंट ये दूसरा पॉइंट ये तीसरा पॉइंट ये चौथा पॉइंट ये कुछ पांचवा पॉइंट अब क्या होता है यहां पर जब आप इस तरह से पॉइंट्स देखते हो ना इस तरह के कुछ पॉइंट्स आएंगे अब आप एक्जेक्टली स्ट्रेट लाइन में नहीं आते हैं। थोड़े बहुत तो नीचे एक लाइन बनाऊं या इन तीनों को एक लाइन में अगर, तो अगर आप इन चारों को मिक्स करके एक स्ट्रेट लाइन बनाते हो तो फिर वो इक्वेलेंस पॉइंट कहीं और आएगा हाँ या ना जैसे अगर मैं इन चारों को मिलाऊं तो भी लगता है अभी स्ट्रेट लाइन में और इसको मिलाएं तो ये इक्वलेंस पॉइंट कुछ यहां आ जाएगा तो कंफ्यूजन होता है तो इसलिए यहां पर भी वीक एसिड वीक बेस की टाइट्रेशन को हम अवॉइड करते हैं क्योंकि उसमें इतना शार्प कॉर्नर नहीं आता शार्प नहीं आता यहां क्या हो रहा है ओएच OH आइन के कारण अच्छा खासा डिक्रीज कर रहा है फिर कांस्टेंट तो कॉर्नर शार्प यहां पर इतनी स्पीड से इंक्रीज भी नहीं कर रहा था फिर कॉन्स्टेंट हो गया जबकि यहां पर क्या हो रहा था इंक्रीज कर रहा था लेकिन फिर बहुत ज्यादा स्पीड से इंक्रीज करने लगा तो यह कॉर्नर भी शार्प है ये इससे पहले वाला कॉर्नर भी ये तो बहुत ज्यादा शार्प है ये कह सकते हो, ये तो सबसे ज्यादा शार्प था ये शार्प है उतना नहीं है यह भी शार्प है लेकिन यह तो बहुत कम हो बट हां कर्व ऐसा होगा ये आप कह सकते हो ये कर्व कुछ इस तरह से होगा वीक एसिड वीक बेस के केस में पहले बढ़ेगा और फिर कांस्टेंट हो जाएगा जेई का क्वेश्चन देखना ऐसा लगेगा कि सर जो आपने बताया है जो आप बता रहे हो एग्जैक्टली वही पूछ लिया उन्होंने सारे केसेस लाइन से ये मैच दी कॉलम में लाइन से वही केसेस हाँ पहली बार क्वेश्चन आया था कुछ 2008 या 9 में एक्जैक्टली नहीं पता उसके बाद 8-9 साल बाद फिर क्वेश्चन आया था शायद तो ऐसा नहीं कि हां हर साल आ रहा है ऐसा नहीं है भाई जेई एडवांस है दस साल में भी एक बार क्वेश्चन आ जाए तो भी बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी कहलाती है दस साल में भी अगर किसी पॉइंट पर क्वेश्चन आ जाए तो मतलब उसकी प्रोबिलिटी जो है वो अच्छी खासी है टेन परसेंट तो बहुत ज्यादा हो जाती है एक एक दो दो परसेंट पर आपको पढ़ना पड़ता है कि यार प्रोबिलिटी वन परसेंट है तो पढ़ो भाई आप सोचो वन परसेंट प्रोबिलिटी पर भी आपको पढ़ना पड़ेगा छोड़ नहीं सकते हो कब आएगा क्या पता तो इसकी तो फिर भी ठीक है एंड लास्ट ये तो एसिड बेस टाइट्रेशन थी इसमें आप प्रसिपिटेशन टाइट्रेशन भी कर सकते हो फिफ्थ वन प्रसिपिटेशन फिफ्थ ही है ना शायद हाँ प्रसिपिटेशन रिएक्शन मतलब आप AgNO3 थ्री के सॉल्यूशन में क्या मिला रहे हो NaCl और मैं आपको बता दू 2008 या 9 में जब पहली बार क्वेश्चन आया था वो इस टाइट्रेशन पर आया था और मुझे आज भी याद है उस साल के पेपर में ईयर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है आई एम नॉट वेरी मच श्योर इधर ईयर वाला कुछ पंगा हो सकता है। उस साल हाँ मुझे अभी भी पता है, ये सारे केसेस तो बताए थे ये सारे केसेस तो मैंने क्लास में भी पढ़ाए थे ये वाला केस क्लास में नहीं पढ़ाया था लेकिन उस साल के जो टेस्ट होते ना जो रेगुलर टेस्ट होते रहते हैं ईयरली उसमें एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन दिया था एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन दिया था अब इसमें एक पॉइंट याद रखने की जरूरत है नहीं तो ये नहीं होगा और वो पॉइंट है कि मैंने ये तो कहा कि H प्लस और OH की जो कंडक्टेंस है वो बाकी सभी आयन से बहुत ज्यादा होती है लेकिन ये जो बाकी जितने भी आयंस होते हैं इन सब की कंडक्टेंस में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है एजी प्लस नाइट्रेट इन सब की कंडक्टेंस को इक्वल मान सकते हो लगभग इक्वल माना जा सकता है स्पेशली जब आप ये कर प्लॉट कर रहे हो Na प्लस Cl माइनस नाइट्रेट आयन इन सब की कंडक्टेंस को बराबर मानेंगे अब आप सोचो इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन 1 इसकी 1 0 0 मान लो आपने इसके 0.1 मोल डाले इसके भी 0.1 डाले क्या होगा क्या होगा यहां पर बताओ रिएक्शन होगी या नहीं होगी क्या नाइट्रेट आइन की रिएक्शन होगी नहीं होगी क्या एन प्लस की रिएक्शन होगी नहीं होगी लेकिन एजी प्लस और सीएल आइन की रिएक्शन होगी और इसकी कंसेंट्रेशन पॉइंट नाइन रह जाएगी यानी यहां पर ए प्लस की कंसेंट्रेशन कम हो रही है एन प्लस की कंसेंट्रेशन बढ़ रही है मतलब एजी प्लस को किससे रिप्लेस कर रहे हैं एन प्लस से लेकिन ना तो H प्लस कम हो रहा है ना ओव आइन कम हो रहा है ना H प्लस बढ़ रहा है ना ओव आइन बढ़ रहा है और यहां पर इसकी और इसकी कंडक्टेंस ऑलमोस्ट इक्वल है ऑलमोस्ट इक्वल है तो यहां पर जब आप कर प्लॉट करोगे बताओ कर कैसा आएगा हॉरिजॉन्टल लाइन हॉरिजेंटल लाइन क्योंकि एजी प्लस आइन कम हो गए उसकी जगह एन ए प्लस आइन आ गए एजी प्लस और एन ए प्लस की कंडक्टेंस ऑलमोस्ट इक्वल कर हॉरिजेंटल लाइन बट आफ्टर दी इक्वलेंस पॉइंट अब एनए प्लस और सी एल आइन दोनों की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी एन ए प्लस एंड सी एल आइन तो कंडक्टेंस भी बढ़ेगी जबकि यहां पर क्या होगा एजी प्लस आइन कम हो रहे हैं एनए प्लस आइन समझ में आया क्या हा एंड दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रो केमिस्ट्री दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री राइट अब हमारे केवल दो चैप्टर्स बचे हुए हैं लिक्विड सॉल्यूशन और सरफेस केमिस्ट्री अराउंड आई नीड एट लेक्चर्स लिक्विड सॉल्यूशन में सात या आठ लेक्चर चाहिए सात में भी हो जाएगा सेवन और सरफेस में चार चाहिए टोटल ग्यारह या बारह यानी दिवाली से पहले आज थर्टीन है ट्वेल्थ को नेक्स्ट ट्वेल्थ नेक्स्ट मंथ में दिवाली है तो उससे पहले हमारा कोर्स हम कंप्लीट कर देंगे बिल्कुल अमन नाइट्रेट आइन की रिएक्शन मैंने पूछा था क्या होगी बहुत बढ़िया यही ये, ये जो होता ना ये जो एलिमेंट होता ना कि सर ने कुछ कहा बहुत सारी जनता होती सर ने कहा होगा भूल गए सर ने क्या पूछा था लेकिन जो रैंकर्स होते ना टॉप रैंकर्स उनको याद रहता है कि सर ने क्या कहा था सर ने कौन सा क्वेश्चन पूछा था वो याद रहता है तो ये ये सबसे बड़ी बात है इक्कीस दिन में कैसे खत्म हो जाएगा भाई प्रीतम चार वीक और लगेंगे आज थर्टींथ है बिल्कुल अगले दस ग्यारह तारीख तक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा दो चैप्टर बचे हैं बिल्कुल रेडियो एक्टिविटी बटा हटा दिया है सिलेबस में से फिजिक्स में है केमिस्ट्री में पहले मेंशन करते थे अब बिल्कुल मेंशन नहीं करते हैं. ही बताओ क्या होगा होमवर्क दे सकता हूं मैं तो अभी आपको चलिए कैनी देखता हूं देखें ग्रुप में एक बार वापस डालना ठीक है होमवर्क आई थिंक एस वन ओवन तो पूरी हो चुकी है ना या बाकी उसमें कुछ तो एक काम करेंगे ओ टू में बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिख रहे हैं वन से लेके फोर्टीन तक ठीक है जेई मेंस में दे चुका हूं क्या पहले जेई मेंस में क्वेश्चन दे चुका हूं क्या कर तो चुके हैं शायद टेलीग्राम ग्रुप बेटा और कोई अलग से नहीं है चलो हर्षित ने कहा तो मैंने ऑटो दे दिया जेई मेंस में कहां तक कर लिए कुछ किए या नहीं किए हाँ ना? कहां तक कुछ सेलेक्टेड दिए थे क्या अच्छा कंडक्टेंस के अलावा तो जेई मेंस में वन से लेकर ट्वेंटी तक जो भी क्वेश्चन है वो सब करेंगे जेई मेंस वन से लेकर ट्वेंटी और ओ टू वन से लेकर फोर्टीन तक ठीक है बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखें बाय बाय